आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नमस्कार सच्चिदानंद स्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी एक आचार्य हुए उमाश्वती, उन्होंने बताया दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और कई जगह ऐसा भी बताते ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और कहीं पर ज्ञान दर्शन चरित्र तप को बताते हैं। तो आप इसके बारे में प्रकाश डालिए, पहले क्या शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए या दर्शन होना चाहिए या चरित्र रहना चाहिए या तपस्या, इसके ऊपर आपके विजन से आप बताइए। सामान्य तौर से ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा बताया गया है, जैसा ज्ञान वैसा दर्शन वैसा चारित्र। मगर ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है, तो पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, फिर चारित्र होता है। अभी हम पुरुषार्थ के मार्ग पर है, पुरुषार्थ के मार्ग पर है, पहले दर्शन होता है, दर्शन का अनुभव होता है जिसको ज्ञान कहेंगे, उसके बाद भाव बनते हैं तो चारित्र बनता है। चारित्र का मतलब होता है अनुभव, चारित्र का मतलब होता है अनुभव का रिजल्ट जो नेक्स्ट बर्थ में आता है। अभी जो मेरा ज्ञान मेरा दर्शन है, दर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज का सैद्धांतिक प्रमाण, इसको दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन जो है, दर्शन के मुताबिक ही आपका पुरुषार्थ रहेगा, और पुरुषार्थ के मुताबिक अनुभव ज्ञान होगा, और वो ही अनुभव ज्ञान चारित्र में आएगा। तो दर्शन पहले ये होना चाहिए, बाद में ज्ञान होगा। दर्शन का मतलब होता है हमको सैद्धांतिक जानकारी है मगर उसका अनुभव नहीं है, अनुभव होने से इसको ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, मगर उसका अनुभव पाने के लिए हमको पहले दर्शन चाहिए, यानी पहले सिद्धांतों की जानकारी चाहिए, वो दर्शन है। फिर उसका एप्लीकेशन चाहिए जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं या तो उपयोग बोलते हैं। फिर स्टेज आता है अनुभव का, इसको हम ज्ञान बोलते हैं, और ज्ञान से जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं चारित्र। तो ये प्रक्रिया होती है, तो पहले दर्शन, बाद में ज्ञान, बाद में चारित्र, तो ये प्रक्रिया है। तो शास्त्रों में हर ज्ञानी पुरुष ने अपने हिसाब से जो लिखा है वो गलत नहीं है, एक व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? व्यू पॉइंट। और जैन धर्म के अंदर, वितराग शास्त्र के अंदर, वितरागी लोग जो होते हैं वो एकांतवाद में नहीं मानते हैं, अनेकांतवाद में मानते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति की बात को पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं वो लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को मेरे व्यू पॉइंट से आप गलत है ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, न आपको फायदा है, न उनको फायदा है, और न सुनने वाले को फायदा है। तो हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यू पॉइंट होता है बात बताने का। तो जो वितराग का दर्शन है वो अनेकांतवाद को स्वीकार करता है। तो सामने वाले व्यक्ति के व्यू पॉइंट को भी हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और वो कौन से एंगल से कहना चाहते हैं वो भी हमको समझना चाहिए, ताकि यहाँ सही गलत की बात नहीं है। तो इसीलिए कहीं शास्त्रों में लिखा है ज्ञान दर्शन चारित्र, कहीं शास्त्रों में लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्र, और कहीं शास्त्रों में जो आपने बताया इसे लिखा है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तप किसको बोला जाता है? तप का मतलब होता है उपवास करना, त्याग करना, चीज़ों को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। ये तप नहीं है खाना नहीं खाना, वो तप नहीं है। तप का मतलब होता है जो मैंने दर्शन पाया है, जो मैंने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अनुभव में लाने के लिए, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, तो बीच में तप आता है। जैसे एक एग्जांपल है, मेरा कोई व्यक्ति पॉकेट काट देता है, या तो कोई मेरा कोई पैसा उधार जो दिया है वो वापस नहीं देता है,
तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा अहंकार जो लेके आए, वो तो उनको स्वीकार नहीं करेगा कि गलती उनकी है, मेरी नहीं है, मैंने तो उसको दिया है, वो वापिस नहीं देता है, ऐसा लगता है। तो ज्ञान, तो दर्शन क्या कहता है? दर्शन ये कहता है ये आपको ही आपके ही कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है। तो ये ज्ञान आपको दर्शन के रूप में मिला। अभी दर्शन के रूप में मिला हुआ ज्ञान जब प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है, तो दर्शन जो मिला है इसको अप्लाई करके अनुभव में जाओगे, बीच में तब आएगा, यानी इसको स्वीकार करने में समय लगेगा ये ज्ञान को, कि मेरे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त है, वो बात समझने में, स्वीकार करने में समय लगेगा। तो दर्शन का उपयोग करते समय और ज्ञान का अनुभव करने के बीच के रास्ते को हम तप बोलते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चारित्र में आने से पहले बीच में तप आ जाता है और तप के बाद चारित्र होता है। तो कहने का मतलब ये है, विज्ञान को, लॉ ऑफ नेचर को, सनातन सत्य को स्वीकार करना, इसका उपयोग करके अनुभव करना, तो स्वीकारना और अनुभव करना प्रैक्टिकल लाइफ में, इसके बीच में तप आता है, और वो तप है, वो ज्ञान तप है, अज्ञान तप नहीं है, कोई क्रियाकांड का तप नहीं है, मगर अपनी अज्ञान को मिटाना और सनातन सत्य को स्वीकार करना, ये इन बिटवीन का तप है, जिसे फिर चारित्र उत्पन्न होता है, और चारित्र वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, वो बर्थ टू बर्थ कैरी पर होता है, अनुभव कभी, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, स्टेबल होता है, या तो अप होता है, कभी डाउन नहीं होता है, बस तो चारित्र है वही हमारा डेवलपमेंट है। स्वामी जी, एक ये तप और तपस्या करते हैं कि बोले कर्म निर्जरा के लिए तप तपस्या जरूरी है, तो उसमें कर्म निर्जरा का क्या साइंटिफिक प्रक्रिया रहती है, कैसे कर्म निर्जरा होती है? कर्म निर्जरा जो होती है, क्रिया से कर्म निर्जरा नहीं होती है, क्रिया खुद ही कर्म फल है, फल का फल नहीं आएगा। मगर लोग समझते हैं कि धार्मिक तप जप तप करने के हमारी कर्म की निर्जरा होगी, ऐसा लोग मानते हैं, और हमारे साधु साध्वी भगवान उसको बताते भी हैं। तो वास्तव में तप करना वो उदय कर्म जरूर है, मगर तप अगर कर्ता भाव से करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। मगर हाँ, अगर ज्ञान तप है तो जरूर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और ज्ञान तप जो है वो क्रिया के साथ जुड़ा नहीं है, ज्ञान तप है वो विज्ञान को स्वीकार करने के लिए है और अज्ञान को डिमोलिश करने के लिए। हमारे पास अज्ञान लेके आए हैं और विज्ञान आज हमारे पास है, तो अज्ञान से विज्ञान की ओर जाएंगे तो बीच में तप आएगा, और वो ही तप से हमारी कर्म की निर्जरा हो सकती है। स्वामी जी, जैसे मैं आज उपवास करता हूँ, इससे मेरे कर्म की निर्जरा होती है, और आप उसको कह रहे हैं कि ये तो उदय कर्म के अधीन हो रहा है जी, तो फिर मेरा तप कहाँ पर होगा, कैसे तप होगा, कैसे कर्म की निर्जरा होगी, जबकि मैं अपने पुरुषार्थ से कर रहा हूँ, मैं आज उपवास कर रहा हूँ, भूखा रह रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ, और आप कह रहे थे ये तो उदय कर्म से होता है। तो देखो, कोई भी मनुष्य के पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर उनके पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति होती तो रात को सोने के बाद श्वास कौन लेता है? उसका मतलब ये होगा श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया तो भी उसका श्वासोश्वास तो चालू है, तो श्वास लेना वो उदय कर्म है, और इसका टाइटल है आयुष्य कर्म। क्या बोलते हैं? आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म के मुताबिक ये शरीर को श्वास लेना है, चॉइस नहीं है कि मैं लूं या नहीं लूं। मगर अगर श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति अगर हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वासोश्वास से ये मन, वचन, काया जो चलता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? तो इसीलिए मन, वचन, काया से जो कुछ भी क्रिया होती है, मन से विचार करने की क्रिया, जबान से बोलने की क्रिया, और शरीर से एक्शन करने की जो क्रिया होती है, ये तीनों क्रिया
हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये उदय कर्म के अधीन होती है। मगर हम अज्ञानता के बस मानते हैं मैंने ये किया या तो आपने ये किया, ऐसा समझने से अज्ञान है। और अज्ञान का फल या तो राग हो सकता है या तो द्वेष हो सकता है। इससे कर्म के निर्जरा संभव नहीं है। तो जो उपवास किया मैंने तो उसका मेरे को फल कुछ तो मिलेगा या इसका क्या फल रहेगा? अब मैं उपवास में जागृति रखता हूँ, 24 घंटा कुछ खाता नहीं हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? तो मेरा तप कैसे मैं इसको ज्ञान तप के रूप में बदल सकूँ, कैसे ज्ञान से कर सकूँ? ये तप है वो उदय कर्म है, और उदय कर्म के अधीन शरीर को ये उपवास तप जप करना पड़ता है। तो ये उपवास की क्रिया को या तप की क्रिया को उदय कर्म मान के मैं खुद अपने आत्मा में रहूँगा, और प्रकृति जो है वो उदय कर्म के अधीन कुदरती कानून के अधीन चलती है, और मैं ये तप करने वाले से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और मेरी एक ही भावना है कि कैसे मैं अज्ञान को मिटा के विज्ञान को समझ के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूँ। इसके लिए मेरे जीवन में हर अवस्था के अंदर सम भाव रहे, और कोई भी क्रिया के प्रति कर्ता भाव और कोई भी व्यक्ति या वस्तु के पीछे मालिकी भाव न रहे। इसीलिए इसी प्रकार का विज्ञान में जानूंगा, इसका उपयोग करूंगा, तभी मेरे के अंदर कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म होगा, और न राग द्वेष बनेगा, इसलिए नए कर्म भी चार्ज नहीं होंगे। और यही मुक्ति का मार्ग है, यही पितरागों का मार्ग है, यही अनुभवी पुरुषों का मार्ग है, यही ज्ञानी पुरुषों का मार्ग है। स्वामी जी, जैन धर्म में बताते हैं भगवान ऋषभ देव ने इतनी तपस्या की, 24वें चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ने इतनी तपस्या की, तो ये तपस्या उन्होंने की थी या हुई थी? ये तो इसमें कर्म की निर्जरा, इसका थोड़ा डेफिनेशन आप अच्छी तरह से बताइए ताकि हमारे लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल तप कहाँ होता है। सिद्धांत यह कहता है जिसका लास्ट बर्थ होता है उसके जीवन में कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है, और उनका जो जीवन है पूरा 100% कर्म फल है, और वो मैकेनिकल है। उसमें मैं ये करूँ मैं ये ना करूँ ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और अंदर से उसका ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो भुगतान हो रही है वो मैं भुगतान कर रहा हूँ, ऐसा भी अज्ञान नहीं होता है। तो लास्ट बर्थ के अंदर आत्मा और प्रकृति दोनों ही होता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं है और पुरुषार्थ जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगले अवतार में अज्ञान खत्म हो चुका है। मगर लास्ट बर्थ में जैसे आपने बताया महावीर भगवान ने 6 महीने का तप किया, उपवास किया, ऋषभदेव भगवान ने 1 साल का तप किया, तो क्या इसको हम तप बोलेंगे? क्या हम इसको पुरुषार्थ बोलेंगे? नहीं, ये तप नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये उनका उदय कर्म है। आप सबको मालूम है कि ऋषभदेव भगवान भी अपनी भूख या प्यास को मिटाने के लिए बार बार खाने के लिए वो जाते हैं, वहरने के लिए वो जाते हैं, मगर जिस प्रकार का आहार चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, वापिस आता है। ऐसे ही भगवान महावीर भी अपनी धारणाओं के मुताबिक उन्होंने तय किया था कि इसी अवस्था होगी तभी मैं उनके पास से आहार लूँगा, तो हर समय वो आहार लेने के लिए जाते थे। अवस्था नहीं मिलती थी उसकी धारणा के मुताबिक, वो वापिस आ जाते थे। फिर भी जब भूख लगती है शरीर को लेने के लिए जाते थे, उनकी धारणा के मुताबिक अवस्था नहीं बनती थी, वो वापिस आ जाते थे। तो शास्त्र भी बताते हैं जब आपका उपवास है तो खाना लेने की प्रक्रिया की जरूरत होती ही नहीं है। हमको लेने के लिए जाते हैं, नहीं मिलते हैं हमारी धारणा के मुताबिक, वो वापिस आ जाता हूँ, उसको उपवास नहीं कहेंगे। जब उपवास इसको कहते हैं कि जब खाना खाना ही नहीं है,
तो उसके लिए प्रयास की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ तो प्रयास दिखता है, ऋषभदेव भगवान ने भी प्रयास किया था, महावीर ने भी प्रयास किया था, मगर उचित वातावरण, उचित संजोग और उचित आहार नहीं मिला तो वापस आ गए। इसको उपवास नहीं कहेंगे, इसको उदय कर्म कहेंगे। और उदय कर्म से ही धीरे धीरे उनकी मुक्ति मिलती है, क्योंकि आत्मा और शरीर दो ही है। शरीर का तो धीरे धीरे अंत आ ही रहा है और अंत हो जाएगा, आत्मा अपने आप सिद्ध क्षेत्र में चली जाएगी, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान है, ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनका लास्ट बर्थ है, इसीलिए उनको पुरुषार्थ भी नहीं है। स्वामी जी, एक श्रीमद् राजचंद्र का सूत्र है कि आत्मा ने जानी लीधु तो बद्दू जानी लीधु, और जी आत्मा ने नथी जानियो तो बद्दू ज्ञान निरर्थक छे, फोक छे। ये इतना कड़ा शब्द का, बद्दू ज्ञान निरर्थक छे, तो इसके आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ही ज्ञान, खुद का ज्ञान, खुद का अनुभव, और खुद को ही करना है, क्योंकि वो खुद है। जो खुद को जानता है वही तो खुदा है, बाकी सब ना खुदा है। तो खुद को जानना, खुद का ही अनुभव करना, यही तो विज्ञान है, यही तो ज्ञान है। खुद यानी हु एम आई, मैं कौन हूं वो जानना, वही मनुष्य भाव का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं कौन हूं वो जानना, वही परम सत्य है, परम पुरुषार्थ है, और जानने के बाद वो परम अनुभूति है। तो लोग क्या समझते हैं कि मैं कौन हूं वो जानना क्या प्रक्रिया है। मैं कौन हूं का मतलब होता है कि अगर मैं शरीर हूं ऐसा मानता हूं, वो तो अज्ञानता है, वो तो सबके पास है। गधे को भी मालूम है कि मैं गधा हूं, इंसान को भी मालूम है मैं इंसान हूं, ये ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान है इनटू इन्वर्टेड कोमा, ये व्यवहार ज्ञान है। सनातन ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं चेतन हूं, ये मेरा ज्ञान है। और जो शरीर है वो लौकिक ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान है, वास्तव ज्ञान या वास्तविक ज्ञान या सच्चा ज्ञान नहीं है। तो खुद हमारे महान संतों में से एक संत जिसका नाम है नरसिंह मेहता, उन नरसिंह मेहता भी बहुत पवित्र आदमी थे, निष्प्रोही आदमी थे, निर्लोभी आदमी थे, बिना भेदभाव हर जगह पे भजन करते थे। तो उन्होंने खुद ने बताया अपने जीवन के अंत में, उन्होंने जीवन का अंत हो रहा था उसी समय उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भक्ति किया, निष्पक्षपाती भाव से किया, जहाँ बुलाया वहाँ गया, कोई अपेक्षा के बिना। इतना करने के बाद भी आज मेरे को महसूस हो रहा है, जहाँ लगी आत्मा तत्व चीनो नहीं, तहाँ लगी साधना सर्व चुठी। अगर इतना सारा करने के बाद अगर मैंने खुद को ही नहीं पहचाना तो ये साधना सब व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब होता है या तो उसका फल पुण्य मिलेगा या तो पाप मिलेगा, मगर मेरा संसार चालू रहेगा। तो संसार चालू रहने का मतलब ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग ऐसा है, धीरे धीरे संसार खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, और आप खुद के नजदीक आते हैं, खुद की अनुभूति के नजदीक आते हैं, और एक दिन आप खुद ही खुदा परमात्मा बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है। स्वामी जी, अब मैं आध्यात्मिक विज्ञान से हटकर एक दो आपसे प्रश्न पूछूंगा। स्वामी जी, आजकल ये भौतिक जगत में एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र का बहुत चल रहा है, काफी लोग इससे भ्रमित भी हो रहे हैं और इसमें भंवर जाल में फंसे हुए हैं, तो इसके बारे में आपका विज्ञान, अनुभव विज्ञान उनको क्या शिक्षा देने जा रहा है? एस्ट्रोलॉजी शब्द ऐसा है कि आमतौर से आज विश्व में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो किताबों पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बने हैं, और मोस्ट ऑफ दे आर कॉमर्शियल बिजनेसमैन है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है एस्ट्रोलॉजी वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। क्या है? विद्या है, शास्त्र नहीं है। विद्या का मतलब होता है नेचुरल गिफ्ट, शास्त्र का मतलब होता है
पढ़ने से मिलता है वो ज्ञान। तो एस्ट्रोलॉजी वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। और जो लोग शास्त्र को पढ़ के बताते हैं वो 100% सही नहीं होता है, मगर अप्रोक्सीमेट होता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। मगर जिनके पास विद्या है वो एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि उनको किताबों का ज्ञान नहीं है, उनके पास विजन है। क्या है? विजन। तो इसीलिए तो अभी थोड़ा समय समाप्त होता है, हम दूसरे एपिसोड में उसको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर एस्ट्रोलॉजी क्या है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस सरलता और पवित्रता से आपके अनुभव से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, इसलिए आप स्टूडियो की ओर से और सभी दर्शकगण की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद। आइए देखिए सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज, अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं